हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम श्रुति मैम. वेलकम टू अवर चैनल शिव राइजिंग स्टार अकेडमी. तो लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर इन सीरीज देखा. इस लेक्चर में हम कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे. तो हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं, C1, C2, C3, और इन तीनों को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किया हुआ है. और यहाँ पे हमारा सोर्स है और बैटरी है, और इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो जो कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट है उसको अटैच है, और इसका जो निगेटिव टर्मिनल है जो कैपेसिटर के निगेटिव प्लेट्स हैं उसको अटैच है. तो यहाँ पे क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस सेम रहेगा बिकॉज ऑफ द दिस पॉजिटिव टर्मिनल अटैच टू द पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव टर्मिनल अटैच टू द निगेटिव प्लेट. तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा C1, C2, C3 के बीच का वो सेम रहेगा. दैट इज यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है, वो जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, बट यहाँ पे जो चार्ज होता है वो डिवाइड होता है बिकॉज यहाँ पे जंक्शन पे आके जो चार्ज होता है वो डिवाइड हो जाता है. हमारा करंट भी जब जंक्शन पे आता है तो वहां पे वो डिवाइड होते है. तो इसी तरह जो चार्ज होता है वो भी जो जब जंक्शन पे आता है तब वो डिवाइड होता है. जैसे कि यहाँ पे Q1 हो गया, यहाँ पे Q2 हो गया, यहाँ पे Q3 हो गया. और Q1, Q2, Q3 की वैल्यू डिपेंड करेगी जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर. तो C1 हमने अलग यूज किया, C2 हमने अलग यूज किया, C3 हमने अलग कैपेसिटर यूज किया, तो जो इसके अकॉर्डिंग Q1, Q2, Q3 की वैल्यू हो जाएगी. जो Q1 कितना यहाँ पे जाता है, Q2 कितना यहाँ पे जाता है, Q3 कितना यहाँ पे जाता है, जो इसके कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करेगा. ओके. और जो टोटल चार्ज हो जाएगा, Q क्या होता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. ओके. जो यहाँ पे आ जाएगा वो Q चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1. और जो कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है. दैट इज Q क्या होता है, C इंटू V हो जाएगा. Q इज इक्वल टू C इंटू V. इट इज क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. और Cp हमारे यहाँ पे क्या है, Cp इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन. जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, वो Cp हो जाएगा. दैट इज क्यू, दैट इज Cp इंटू V. दैट इज क्यू इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, Cv. और क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. That is, यहाँ पे इक्विवेलेंट चार्ज है ना क्यू, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp V इज इक्वल टू C1V. ओके. Q1 के अक्रॉस का जो पोटेंशियल होगा और जो कैपेसिटेंस होगा C1V प्लस C2V प्लस C3V. ओके. और यहाँ पे जो V है वो कॉमन है, तो हम V को कॉमन लेते हैं. Cp V इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3. और जो कॉमन है बोथ साइड को, इसकी वजह से हम इसको कैंसिल करते हैं. दैट इज Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. दैट इज अवर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. और जब हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर होते हैं तब वो क्या होता है, Cp इज इक्वल टू फॉर्मूला एक्सटेंड कब तक होता है, n तक होता है. दैट इज Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 अप टू CN. ओके. फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर. ओके. डायरेक्टली इसकी एडिशन करनी पड़ती है हमें. और जब कैपेसिटर की वैल्यू सेम होती है और एक ही वैल्यू की जब हम सब कैपेसिटर यूज करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू C. दैट इज n इज द नंबर ऑफ कैपेसिटर वी यूज एंड C इज द वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटर. That is C equivalent is equal to N into C. Thanks for watching. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.